हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट स्टेट द लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 14 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर फॉर द रिलैक्स्ड आई इज 25, इफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज 5 सेंटीमीटर देन प्रोजेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी। तो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्वेश्चन है। वी नो फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होंगे वो हम रिकॉल करेंगे। सो वी नो फॉर लेंथ फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो फाइनल पोजीशन होगी, एंड दिस फॉर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एंड साथ में हम यूज़ करेंगे मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर के लिए वी नोट ऑब्जेक्टिव का जो हमारे पास डिस्टेंस बनेगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, मल्टीप्लाई विद लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ये यूज करेंगे। सो फर्स्ट लेंथ हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो इमेज का डिस्टेंस होगा वी नोड, वो हमारे पास आएगा वी नोड डैट विल बी इक्वल टू 14 माइनस एफ ई हमारे पास है 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर एम, वी नोड की वैल्यू हमारे पास आई है 9, और यू नोड हमारे पास कहाँ पर प्लेस है, यू नोड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 एंड फोकल लेंथ हमें गिवन है 5, सो यहाँ से एम की वैल्यू हमारे पास आएगी 9, 5 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 5, एंड मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, दिस वैल्यू इज़ गिवन एज 25, बिकॉज मैग्नीफाइंग हमें 25 गिवन है, सो एम इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। दिस वैल्यू विल बी 9 × 5 डिवाइड बाई यू नोड, तो यू नोड 9/25 को सॉल्व किया, 5 × 5 = 25, सो वैल्यू आ जाएगी 9/5 सेंटीमीटर। सो 9/5 को हम नियरली लिख सकते हैं, सॉरी एग्जैक्ट आंसर आएगा 1.8 सेंटीमीटर। सो वैल्यू हमारे पास जो आएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी 1.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।